today? Today. One second. Okay, I've Sharina has designed my clothes. A very happy evening to you. Thank you very much. You're looking absolutely superb. I've been busy. हमारा बस आखिरी दो दिन रह गया है हमारी फिल्म का आनंद राय के साथ तो इंशाल्लाह कल परसों खत्म हो जाएगा. So yeah, I've been traveling, finishing that off, and अब मैं यही रहूँगा. अभी दो दिन में खत्म हो जाएगा. कुछ फिल्म के बारे में अपडेट करना चाहेंगे? यार वो आनंद राय साहब ही करेंगे. अभी तो हम सब लोग काम में मसरूफ थे. कल परसों हमारी शूटिंग आखिरी है. फिर उसके बाद पैचवर्क रह गया था थोड़ा सा, तो वो ख़त्म करूँ. तो फिर आनंद सर ही वो मुझे बोलते हैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ मैं बात करूँगा, तुम मत करो. तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा, वही करेंगे. ओके सर, अगर ट्रेलर की बात करिए तो ट्रेलर हम लोग कब तक देख पाएंगे? सॉरी, ट्रेलर तो आ गया है, जैसे ट्रेलर हम लोग कब देख पाएंगे? यार मुझे जेन्युइन नहीं मालूम. सारा कुछ जो है कलर येलो कर रहे हैं. द होल क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज हैंडल्ड बाय कलर येलो. तो थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द विजुअल इफेक्ट्स. हर चीज़ में वक्त लगता है. सो यू नो इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर फिल्म कि आज डिसाइड किया परसों बन गया. तो हमने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन कब तक बन के तैयार हो जाएगा वो आनंद सर और उनकी टेक्निकल टीम को मालूम है, विजुअल इफेक्ट्स एक्चुअली इसको मालूम है. सो वो लगे हुए कोई मुझे भी पता नहीं है कब है. मैं एक्चुअली मैंने उससे अपने आप को बाहर रखा हुआ है यार, बिकॉज जो मुझे काम करना पड़ता है फिल्म में वो बहुत इंजॉयबल है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसलिए मैंने कहा मैं इससे दूर रहता हूँ क्रिएटिव एस्पेक्ट से और मार्केटिंग से. आपकी वीडियोस देखते रहते हैं हम, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी, आप उसी के जरिए आजकल हम लोग इंटरेक्ट कर मतलब देख पाते हैं आप? हाँ यार, मेरे को सब बोलते हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे कुछ कर दो, बहुत दिन हो गए क्या वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो. So, मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, मैंने सीख लिया है, पूरा नहीं सीखा लेकिन मैं कर रहा हूँ. शायरी वगैरह भी मतलब आती कई बार ऐसा बताते हैं? शायरी हाँ, मतलब वर्ड्स वो नॉर्मल होगा, शायरी साउंड करता होगा मेरे. मैंने लिखा तुमने लिखा? आपने लिखा था, इन्हें देखा था? नहीं भाई, किसी और का देख रहा है, किसी और का. Thank you. Any particular event in this year which you are looking forward to? To be honest, I look forward to this Vogue. I want to thank जो इस वोक के कर्ता धरता हैं प्रिया और अनाइटा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको उन्होंने ऐसे अल्टीमेट मैन ऑफ द डेकेड अवार्ड दिया है, जिससे मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. और उन्होंने मेरी बेटी को वोक के कवर पे डाला जो नेक्स्ट है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया है, उनको दिया गया है. सो उनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी ऑल द चिल्ड्रन जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं उनको कुछ ना कुछ एंटाइटलमेंट मिलती है क्योंकि वो फिल्मों के कलाकारों के बच्चे हैं. बट आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल डू बेटर. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वोग हैज बीन सो काइंड. खान साहब, बॉलीवुड में काफ़ी शादी का सीन है, तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की शादी होने वाली है, रिसेप्शन और ना मेहंदी पे जरूर आना, ठीक है.